कैसे हैं? जी बढ़िया बढ़िया भैया। आज राहुल जी आए हैं घर पे जी। तो इनके पास एक डिफेंडर है और बहुत सारी और भी गाड़ियां हैं, तो हम सोचे हैं कि आज एक वीडियो बना के और आप सभी लोगों को दिखा दें कि डिफेंडर में क्या क्या खूबियां हैं। आप देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा हम वीडियो बनाते रहें आपके। आपने डिफेंडर क्यों लिया, मतलब क्या पर्पस था आपका कि एक क्या खोजने निकले थे आप और डिफेंडर ले आए? जैसे हम भैया गए जी, निकल रहे थे जी जी, तो एक गाड़ी बगल से गुजरी जी और उसको देखकर हम भ्रमित हो गए। अच्छा अच्छा, कि ये कौन सी गाड़ी आ गई? अच्छा अच्छा, आप आश्चर्य में पड़ गए क्या कि ये कौन सी गाड़ी है जी, और ये भूत की तरह दिखी जी जी जी, और हम लोग घबरा गए। घबरा गए हम लोग, फॉर्च्यूनर से थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग बहुत दूर तक उसका पीछा गए, कि दूर दूर तक वो गाड़ी दिखी नहीं। अच्छा अच्छा, अब उसके बाद फिर हम लोग उसका किसी माध्यम से उसका जो लोगो देखे थे हाँ, उससे पता चला कि ये लैंड रोवर डिफेंडर। अच्छा, इसका पता किए तो इस गाड़ी को फिर शोरूम गए उसके। बिल्कुल, लखनऊ से लिए? जी जी जी, लखनऊ में ही, यूपी में शोरूम है भी इसका शायद सिर्फ। हाँ हाँ जी भैया जी, और कितने की पड़ी भैया आपको ऑन रोड? ये जैसे भैया ये गाड़ी है करीब 1.5 करोड़ की गाड़ी है। लगभग 1.5 करोड़? जी जी जी, और ये गाड़ी बनती है करीब 6.5 करोड़ में। अच्छा, इसका जो फुल्ली कस्टमाइज मॉडल है वो 6.5 करोड़ तक जाता है? ये गाड़ी 6.5 करोड़ तक में बनती है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या दे देते हैं लोग गाड़ी में कि इतना? आप अपने शौक का तो कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही, पैसे का लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना पैसा लगाएंगे उतना कम पड़ जाएगी भैया। जी 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 भैया, तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कितना चला दिया है आपने इस गाड़ी को? ये गाड़ी चल गई है करीब 12,000 किलोमीटर। 12,000? जी जी। और क्या इसकी सर्विस वगैरह हुई है? नहीं अभी अभी नहीं, अभी सर्विस नहीं हुई, अब सर्विस होने वाली। अच्छा, 15,000 पे होती है क्या इसकी? नहीं, ये 13,000 पे बोले हैं। 13 पे बोले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी सर्विस कॉस्ट वगैरह का तो कोई आइडिया होगा? नहीं जी, नहीं नहीं, अभी कोई एस्टिमेट नहीं कि कितना लगेगा। अब जो इतना महंगा गाड़ी लेगा उसको सर्विस कॉस्ट से कोई, ये भी सही बात है, लाख दो लाख जो भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। वो तुमको कार्ड भी, गाड़ियां रखे भी हैं। अच्छा अच्छा भैया, 2-3 फॉर्च्यूनर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भैया, तो सब धीरे धीरे लाके और हम लोग के पास आप उसका रिव्यू करवाइए। अभी हम फिर एक डिफेंडर बुक करवाए हैं भैया। अच्छा, एक और डिफेंडर ले रहे हैं? क्योंकि अच्छा, जो ये गाड़ी है भैया ना, इस गाड़ी का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रखने के लिए तो हम फॉर्च्यूनर भी रखे हैं जी, लेजेंडर भी है मेरे पास जी, लेकिन वो दोनों गाड़ी इसके आगे बौनी पड़ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे जो पिकअप होना चाहिए जी, वो उसमें वो पिकअप नहीं है। अच्छा, ये पेट्रोल है? जी भैया, ये पेट्रोल है डिफेंडर, आपने पेट्रोल में लिया? जी जी, वो डीजल में भी दे रहे थे जी, लेकिन वो डीजल में अगर हम लेते तो करीब 60 लाख रुपया और बढ़ जाता। अच्छा अच्छा, ये एवरेज कितना देती है? ये वही करीब 2.5 का एवरेज अभी है। 2.5 का एवरेज बोली थी कंपनी, 12 बोली थी, लेकिन अभी ये 2.5 के ऊपर नहीं है। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद। जी जी, फर्स्ट सर्विस के बाद भी कितना ऊपर जाएगा भी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए भैया? ये हमारे ख्याल से, जो मेरा अपना पर्सनल जी हमारे ख्याल से बहुत जाएगी तो 4 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं देगी। अब 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो 4 से ज्यादा। सही बात है, इसको आप, लेकिन इसका अगर एक बार टेस्ट ले लेंगे भैया जी, तो किसी गाड़ी पे नहीं बैठेंगे। एक बार चला लिए तो फिर आप यही खोजेंगे बार बार, और इसीलिए आप दूसरी बुक करवा रहे हैं। 10 गनर रखने से बढ़िया है हाँ, एक डिफेंडर रख लीजिए, वो भी बुलेट प्रूफिंग करवा के, और जी जी, और धुआंधार चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से आप गुजर जाएंगे अच्छे अच्छे की बुद्धि साट हो जाएगी। और थोड़ा गाड़ी के बारे में बताइए, इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं इनके बारे में, बहुत खूबसूरत लग रही है, थोड़ा इसके बारे में क्या कहना है आपका? अरे, तो कंपनी लगाई है भैया, अब इसके बारे नहीं नहीं, जैसे इसका जो रात में प्रकाश वगैरह है रोड पे चलते समय, बहुत बहुत अच्छा वो कैसा है? फॉर्च्यूनर से बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि फॉर्च्यूनर का लाइट इसके आगे। हाँ 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 भैया, उसमें इसका कंपेयर मत कोई नहीं है। नहीं नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं, इसके दाम में 3 फॉर्च्यूनर आएगी। जैसे हम लेजेंडर रखे हैं हाँ, और ये भी 2-3 फॉर्च्यूनर रखे हैं हाँ, हाँ, तो हम लोग उसी से किसी का भी तुलना करें। सही बात है, जो रॉल्स रॉयस हो चाहे जो, हम लोगों के पास तो वही जो अपने पास होती है उसी से हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। अभी तो मान लीजिए आई है, तो हम लोग तो अब इसी के साथ में किसी का करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम ये कह रहे हैं भैया, ये गाड़ी बड़ी लाजवाब है। लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, और
डिफेंडर की बैच नहीं है भैया। जी भैया, पूरे ऑल यूपी जब हम ये गाड़ी लिए थे जी, तो फर्स्ट गाड़ी हमारे राजा भैया लिए थे। अच्छा, राजा भैया जो कुंडा वाले, कुंडा नरेश विधायक जी, जी फर्स्ट गाड़ी वही लिए थे। और सेकंड आपने लिए? नहीं, सेकंड हम नहीं, हमारा नंबर था करीब 7वें 8वें नंबर पे, हम यूपी में हम लिए थे। जी 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 जी। तो काफी लिमिटेड स्टॉक भी रहा होगा इसका, बहुत ज्यादा तो दिखती नहीं है ये तो भैया। ऑर्डर पे आती है, जैसे आप ऑर्डर करेंगे तो 6 महीने के बाद ही गाड़ी मिलेगी। अच्छा अच्छा, वो 4 महीने में भी दे सकते हैं। हाँ, गाड़ी मिलने वो उनके प्रोडक्शन के ऊपर है। गाड़ी कोई शोरूम में थोड़ी रखते, जनरली शोरूम में तो खड़ा नहीं रहेगा। ये गाड़ी आपके ऑर्डर पे बनती है। तो लेने के पहले आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह मिला था लैंड रोवर की तरफ से? नहीं, गाड़ी हमको टेस्ट ड्राइव नहीं मिला था भैया। अच्छा, हम बस ऐसे पहुँचे। हाँ, और अपना देख गाड़ी तो देख ही लिए, लुक देख के आप फिदा हो गए थे। हम बोले कि चाहे जो भी हो, हाँ लेना है, लेना है सिर्फ, बस बस मेरे दिमाग में घुस गया कि हमको ये गाड़ी चाहिए। जी जी जी। और हम लिए, शोरूम वाला भी बोला कि आपको टेस्ट ड्राइव करा रहे हैं? नहीं, हम बोले कि नहीं, पहले आप बुकिंग कर लीजिए, उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। वाह, टेस्ट ड्राइव लिए भैया। जी भैया, और गाड़ी बहुत, हम जितना सोचे थे उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया बेहतर मिला ये गाड़ी हमको। गाड़ी तो है ही लाजवाब, अगर पैसा हो तो फिर यहाँ पे चले जाना चाहिए। सही बात है। ये गाड़ी अभी फिर लेंगे भैया, एक और डिफेंडर ले रहे हैं आप? अच्छा, 3 महीने में, अभी 3 महीने का उसमें बुकिंग हो चुकी है वो? अच्छा अच्छा, 3 महीने में हम उसको फिर उसको भी लाएंगे। तो वो पेट्रोल है भैया या डीजल है? नहीं, वो भी पेट्रोल भैया। अच्छा। हम डीजल गाड़ी यूज नहीं करना चाहते हैं। क्यों भैया? जो हमको पिकअप चाहिए जी, वो डीजल में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, पिकअप आपका जो पेट्रोल के हिसाब से आपको टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है? जी 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 भैया। जी 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 जी, चलिए भैया, हमारे यहां सुनो भैया। और भैया, जो इसके अलॉय व्हील्स वगैरह हैं, ये थोड़ा सा जैसे एक कुछ अच्छा डिजाइन हो सकता था यहाँ पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये डिजाइन इसमें हम बोले थे उसको जी, एक डायमंड कट के लिए, डायमंड कट अलॉयज जो आते हैं जी, 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 तो जी। लेकिन जो हम इस गाड़ी में जो जितना हम मॉडिफाई करने के लिए बोले थे, हाँ, कंपनी हमसे पैसा ली, हाँ, दे नहीं, लेकिन वो हमको दे नहीं पाई। हमारी गाड़ी किसी और को बेच दी, और वो जो किसी और का बुकिंग था वो गाड़ी हमको उठा। तो इतनी प्रीमियम गाड़ी, इतनी प्रीमियम ब्रांड है लैंड रोवर, उसके बाद भी ये सब चीजें वहाँ हो जाती है क्या? देखिए भैया, इस गाड़ी के बहुत लोग नहीं लेने वाले हैं। हाँ, समझ रहे हैं। लोग इसके मतलब एक दो दीवाने हैं। जी, अब इतना कमी के बाद भी ये दूसरी गाड़ी बुक कर रहे हैं। मतलब ये दीवानगी है। बिल्कुल सही बात है। और ये गाड़ी भैया ना, एक बार जैसे आप चला लेंगे जी, और इससे आप सफर करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम बनारस से गोरखपुर आए हैं, देवरिया आए हैं। 1000 किलोमीटर चलेंगे तो कोई बहुत ज्यादा थकान नहीं। जी भैया, पता नहीं चलेगा कि आप बनारस हैं कि आप यहाँ हैं भैया। ये तो और यही अगर हम फॉर्चूनर से चलते भैया ना जी भैया, तो हमारा ये दोनों हाथ दर्द करने लगता। अच्छा, फॉर्चूनर में आपके हाथ दर्द हो जाते जी, हैं जी, ऐसा क्यों? उसकी स्टीयरिंग हार्ड है उसकी वजह से? जी भैया, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, उसकी वजह से क्या? उसका स्टीयरिंग और इसके स्टीयरिंग में तो कोई तुलना ही नहीं है। मैं भी अभी इसका टेस्ट ड्राइव लिया हूं। हाँ, आप तो चला के आए हैं। फॉर्च्यूनर और इसमें मतलब लीजेंडर और डिफेंडर में जी जमीन आसमान का अंतर है। जी, क्योंकि अब एक तो देख लीजिए कि ये लगभग 3 गुने रेट की है। जी जी, तो हर चीज तो वही है, लेकिन अंदरूनी जो चेंज है वो हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन चलाने के बाद लग रहा है कि हम एक कार चला रहे हैं, उसको चलाने के बाद लग रहा है हम ट्रैक्टर चला ट्रैक्टर चला। हाँ, वही है। सही बात। अरे अपनी गाड़ी की ऐसी बुराई? ये बुराई नहीं है, जिस चीज में जो अच्छाई है वो तो अच्छाई कहना ही है। सही बात है, सही बात। इसमें भी जो बुराई है हम बुराई बताएंगे। उसमें एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो हार्ड होगा ही वो, और इसमें भाई पूरा पावर स्टीयरिंग फुल आपको देखने को मिलता है, और चूंकि पेट्रोल इंजन भी है तो साफ चीजें थोड़ी ज्यादा स्मूथ होती हैं डीजल के कंपैरिजन में। भैया, जो ये पीछे ये कुछ मुझे दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है? ये राहुल भैया आप बताएं, ये क्या लगवा रखे हैं? जी, लगेज है, लगेज बॉक्स है जी, इसमें आप कुछ सर सामान अपना रख सकते हैं। अच्छा, और उसको लॉक कर दीजिए। जैसे हम लोग कहीं, हाँ, जैसे एडवेंचर पे गए या ऑफ रोडिंग करने गए, हाँ, तो जो हमारा जैसे टायर में कुछ चैन वैन लगाने का जो आता है, हाँ, वो सब हम इसमें रखते हैं। स्नो वगैरह में कभी फंस गए तो वो सब एक्सेसरीज इसमें। ये इसमें भैया ना, ये पूरी इसमें वॉशिंग से लेकर के हवा भरने तक का सब सिस्टम इसमें लैस है। अच्छा, आपने लगवा रखा है सब कुछ? वही सब एक्सेसरीज का पार्ट है ये भैया। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ये सारी एक्सेसरीज इसमें पड़ी हुई है। आप कहीं भी खड़ी करके कहीं भी गाड़ी अपना वॉश करिए, कहीं आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आपको पंचर की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। ये सारा टूल किट इसमें है? कुछ है इसमें। वाह, उसका सब अलग से पैसा पेड किया जाता है। तो इसका अगर आप बता सके, अगर आपको याद आ रहा हो कि इसका सिर्फ आपने इस एक्सेसरी का कितना दे दिया, कितना पे किया?
ये तो जैसे भैया मान लीजिए हम इसको दिए हैं, वो तो पैकेज में था सब भैया। अच्छा पैकेज में था, वैसे तो हमको याद नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, एक थार में पैकेज बना देते हैं 130,000 का जी। तो ये तो भैया डिफेंडर का तो पैकेज कम से कम 10-15 लाख का होगा भैया। नहीं इसका कोई एक छोटा आइटम अगर भी आप छुएंगे ना, हाँ, तो 2-4-5 लाख के नीचे उसका वही वही मैं पूछने वाला था भैया कि इसकी अभी तक कुछ आपने इसमें ऐसा कुछ काम कराया गया लैंड रोवर से जिससे कुछ की पता लग सके कि क्या जिसमें आपने पे किया हो? अलग से तो हम पूरी गड़िया बनवाए हैं भैया। ये नहीं मैं पूछ रहा था जैसे कोई चीज खराब हो गई हो या कुछ आपने अभी ऐसा कोई अभी कुछ कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मजबूत है कि इसमें कोई फॉल्ट आ ही नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं। नहीं नहीं भैया जी, चलिए सही बात है। हमारे भैया गाड़ी तो है, गाड़ी में तो अब क्या, गाड़ी का शिकायत थोड़ी हम लोग कर सकते हैं। सही बात है, शिकायत करने वाली कोई बात है ही नहीं। थोड़ा सा अलॉयज का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, खराब नहीं लगता है, बोरिंग थोड़ा सा सिंपल हो जा रहा है इतनी महंगी गाड़ी में। इसको भी मैं कंपनी में बोला हूं जी भैया, हमको डायमंड कट एलॉय व्हील दे दीजिए। हां हां, आपने चूंकि उसका आ रहा है ना उसमें आप चेंज कराइए भैया, दोनों में कर देंगे। हां जैसे इसका भी निकल जाएगा चूंकि इसका वो पैसा तो देगा, क्योंकि हमें लगता है ये सब भी बहुत महंगा आता है। एक एलॉय व्हील हम इसका 5 लाख से कम का नहीं आता। अब ये तो भैया, ये तो लैंड रोवर जाने भैया और राहुल भैया जाने, अगर चेंज कराएंगे तो उसका तो अभी तो भैया इसके बारे में हमको पे करना ही होगा, अभी तो कंपनी वाला ही बता पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया जो गाड़ी इतना हम पैसा दिए हैं, हाँ, तो एक आम आदमी सोचता है कि हम इतना पैसा दे करके एक गाड़ी लिए हैं जी, तो हमको कहीं कष्ट तो नहीं है जी, लेकिन हमको एक रत्ती कहीं कष्ट नहीं है। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं इसी का मैं काफिला लगा दूं डिफेंडर का। हाँ जी, 3-4 खड़ी करिए डिफेंडर, कम से कम सात जी जी, बिल्कुल ठीक है। चलने के लिए तो बहुत लोग चलते हैं फॉर्च्यूनर का काफिला लगा के जी, लेकिन हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि अगर हम चलेंगे तो यही इसी का काफिला, डिफेंडर का काफिला होगा जी जी। और उस पर भी वीडियो बनवाने आइएगा हमारे पास जी भैया, ठीक है भैया। और ये भैया बता रहे थे अभी कि पूरी की पूरी कैबिन जो है वो वाटरप्रूफ है, तो यहाँ पे अगर आप वॉशिंग कराना चाहते हैं इंटीरियर की भी वॉशिंग हो सकती है। तो वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भैया, इसमें पीछे की भी सीट वेंटिलेटेड है क्या? जी जी, आगे वाले तो वेंटिलेटेड होंगे ही, मुझे पीछे की भी वेंटिलेटेड है। वाह क्या बात है। तो ये इसका लैंड रोवर डिफेंडर का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राहुल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।